दोस्तों नमस्कार, मैं एस के पांडे अदिति फाउंडेशन से समय समय पर भिन्न भिन्न प्रकार की टिप्स आपकी फार्मिंग के लिए देता हूं। और हमारे किसान भाइयों जो हमारी बात से सहमत होकर के मल्टी क्रॉपिंग पर काम कर रहे हैं, आज बड़ी आमदनी का एक पार्ट बन चुके हैं। दोस्तों मैं ये कहना चाहूँगा कि विगत दो वर्षों से कोरोना काल ने हमारी आमदनी को बिल्कुल ख़त्म कर दिया है। लागत मूल्य पर भी लोग अपनी इनकम नहीं बना पा रहे हैं, जितनी लगा रहे हैं उतना भी नहीं निकल रहा है। तो अब हम किसान भाइयों को ऐसी राय देते हैं जिसमें कम से कम लागत में अधिक से अधिक इनकम ले सकते हैं। हाँ, जैसा कि आपने देखा होगा, मैंने पपीते फार्मिंग के बारे में बात करना चाह रहा हूँ आज की डेट में। और मैं ये कह रहा हूँ कि आप कम से कम लागत में अधिक से अधिक यानी लखपति कैसे बन सकते हैं पपीते की खेती से। पपीता तो सभी जानते हैं, पपीते से सभी वाकिफ हैं। हो सकता है बहुत सारे किसान भाई पपीते खेती कर भी चुके हों, बहुत सारे लोगों ने लाभ भी लिया हो, बहुत सारे लोगों ने नुकसान भी उठाया है। अमूमन मैंने ये देखा है सर कि अधिकतम संख्या हमारे नुकसान उठाने वाले भाइयों की है। अब सवाल ये उठता है कि हम किस वेराइटी पर काम करें। तो मेरी राय ये है सर कि पपीते की खेती अगर आप करें तो इसके लिए पहली बात तो ऐसी ज़मीन जहाँ पानी खड़ा ना होता हो, यानी हाइट की ज़मीन चाहिए, बलुई दोमट मिट्टी मिक्स हो, और वेराइटी हम लोग वायरस फ्री पर काम करें, क्योंकि जिस वेराइटी को अधिकतर किसान जानते हैं वो वेराइटी में वायरस लगते हैं, वायरस का प्रकोप ज़्यादा होता है तो किसानों को नुकसान ज़्यादा उठाना पड़ता है। तो हमारे कहने का तात्पर्य, आपको जो वेराइटी मैं आज बताने जा रहा हूँ सर, उसका नाम है आइस वेरी। आइस वेरी एक ऑस्ट्रेलियन वेराइटी का पौधा है और इस पौधे को लगाने से आप वायरस मुक्त खेती कर सकते हैं, तो आसानी से आपकी पैदावार और आपका डेवलपमेंट हो सकता है। क्यों हो सकता है सर? एक एकड़ में 1200 पौधे लगते हैं, एक कैलकुलेशन में आपको बता रहा हूँ। और 1200 पौधे में एक पौधे का अगर प्रोडक्शन आप देखेंगे तो 50 किलो से लेकर 1 क्विंटल होता है। 50 किलो प्रोडक्शन का 10 रुपए किलो के हिसाब से अगर आप बाजार मूल्य निकालें जो कि थोक भाव है, तो होता है 500 रुपया। सर एक पौधा 500 रुपया अगर दिया तो 1200 पौधे आपको क्या इनकम देंगे? 6 लाख रुपए का। 6 लाख की सालाना आमदनी आप कर सकते हैं इस पपीते की खेती से एक एकड़ में। बाकी जो जमीन बच रही है आप उस पर हल्दी लगा दें, अदरक लगा दें। जैसे इस वीडियो में हमने आपको दिखाया है कि पपीते के साथ साथ हमने स्ट्रॉबेरी लगाया हुआ है। स्ट्रॉबेरी देखिए फूल भी आया है। हमारा पपीता 3 महीने में फूल दे देता है और 6 महीने बाद टूटना शुरू हो जाता है। जैसे कि देखिए ये 3 से 4 महीने का पपीता है, इस पर आप फल देख सकते हैं, फल लगा हुआ है ना। अब आप सोचिए कि आपका पपीता 3 से 4 महीने में अगर फल देना शुरू कर दे रहा है और कंटिन्यू आप इसकी खेती 5 साल तक 7 साल तक ले सकते हैं, बट हम 3 साल के बाद कट करके दूसरा पौधा लगा देते हैं, इससे जो है हमारी आमदनी पर कोई असर नहीं पड़ता। धन्यवाद। वीडियो को देखने के लिए आप सबका धन्यवाद। कृपया वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।